अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है और यूएसए ने कनाडा को बेल दिया है। पाकिस्तानियों को टेंशन लग रही है कि अगला मैच यूएसए का पाकिस्तान के साथ है, और जिस तरह जुनून नजर आया मुझे आज यूएसए की टीम में, पाकिस्तान ना हार जाए इनसे वैसे भाई। और इंडिया के लिए भी खतरा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरा है क्योंकि हमने पहले इनको फेस करना है। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए वैसे भाई, आगाज बड़ा जबरदस्त हुआ है। वैसे छोटी टीमें थी, लेकिन मैच में किसी भी तरह लग नहीं रहा था कि कोई हल्का मैच हो रहा है। क्वालिटी ठीक थी दोनों टीमों की। देखिए, दोनों टीमें ने उतना स्कोर बना दिया जितना पाकिस्तान ख्वाब में सोचता है। आजकल 160-170 मुश्किल पाकिस्तान बनाता है, और यहां पर 195 स्कोर हो गया और यूएसए ने चेज कर लिया, तो वाकई थोड़ी सी खतरे की गारंटी है यहां पर पाकिस्तान के लिए। और इंडिया के लिए भी आप कह सकते हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। ये ग्रुप जो है वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिका कनाडा से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त मैच खेल देंगे आपस में। इसमें आयरलैंड भी इसी ग्रुप में, और पाकिस्तान इंडिया ने तो खेलना ही खेलना है, तो देखे किसी भी टीम को इजीली लेना पड़ता है। जब वो विनिंग शॉट मारी है, मैं प्लेयर का नाम भूल गया हूँ, उनकी आंखों के अंदर वो पैशन नजर आ रहा था मुझे। और देखे वो बांग्लादेश को हरा के आए, में पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच उनका डे मैच, थोड़ा सा तो वैसे भी डरना पड़ेगा। आप बेशक कह रहे यूएसए, लेकिन अब पाकिस्तान आपको पता है मशहूर है छोटी टीमों से हारने के लिए, और वर्ल्ड कप का आगाज है यहाँ पर। वर्ल्ड कप में हर टीम जो है जोर लगाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, कहने को वो यूएसए की टीम है, लेकिन सारे के सारे जो प्लेयर है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इधर से इकट्ठे किए हुए, मैंने आपने देखा होगा कि एक तो प्लेयर है जो कि सिर्फ तीन प्लेयर अमेरिका, असल जो अमेरिकन बोर्न है, बाकी तो सारे इकट्ठे किए हुए हैं। उनके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट का थोड़ा सा खून है, तो यहाँ पर बात इसी तरीके से 200 स्कोर नहीं हो गया और 200 चेज भी हो गया, तो कनाडा ने भी अच्छा खेला है। कनाडा ने भी दिखाया कि 195 स्कोर करना आसान नहीं होता, और जो विकेट और जो माहौल वहां पर बनाया और जिस तरह क्राउड आया है, मुझे लग रहा था कि अमेरिका कनाडा के मैच में इतना क्राउड आ जाएगा, तो एक अच्छा स्टार्ट वर्ल्ड कप को मिल गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ग्राउंड बेशक छोटा था वैसे भाई। अब पाकिस्तान के मैच में ये भी तो टेंशन है ना कि ओवर भी कम हो सकते हैं, वहां पर तूफान भी आना है, कुछ सैलाब भी आना है, ऐसी वैसी भी बातें हैं। तो जितने कम ओवर हुए, अगर खुदा ना खास्ता अगर मैच पूरा नहीं होता है, उतना चांस यूएसए का है। और खुदा ना खास्ता मैच ही नहीं होता, तो फिर तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल भी पड़ सकता है, पॉइंट शेयर हो जाते हैं। हाँ, तो यही ना, पाकिस्तान के जो स्केड्यूल है डेलस के अंदर, बड़े तूफान आने दिनों में। हाँ, अभी तक तो ये पेशन हुई है कि उस मैच में शायद बारिश ना हो, लेकिन अगर होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, क्योंकि आप जब साइक्लोन आता है तो कुछ भी नहीं पता होता, कभी भी बारिश हो सकती है। तो पाकिस्तान को अगर छोटे ओवर खेलने पड़ गए यूएसए के खिलाफ, तो वहां पर कोरी एंडरसन वाले ना आ जाए बैटिंग करने, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के प्लेयर। लेकिन ये देखें कि आप, अब हमारे पास ये दिन आ गए कि हम अमेरिका के खिलाफ मैच से भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान टीम की जो रीसेंट टाइम पे जो गंदी परफॉर्मेंस रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें डर लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं बात करूं, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से ना हारता, आयरलैंड से ना हारता, बांग्लादेश से ना हारता रीसेंट टाइम में, तो हमें टेंशन ना होती। लेकिन पाकिस्तान एक वाइट टीम है जो सबसे ज्यादा हारी है इन टीमों से, फिर डरना तो बनता है ना। लेकिन देखिए, इतना नहीं डर रहा कि पाकिस्तान बिल्कुल फजूल टीम है। पाकिस्तान मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, टॉप भी करते ग्रुप में, इंडिया को भी हरा दे। देखें, इंडिया के लिए तो इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है, इतनी वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली है। देखें, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया पाकिस्तान के लिए तो एक स्पेशल वीडियो आ रही है, बड़ी जल्दी आपको वो भी शेयर करेंगे। पाकिस्तान इंडिया को मैच को इजीली लिया जाता है, जो लोग पाकिस्तान को राइट आउट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। तो इमरान, बात हो रही थी कि जो अगर आप देखें कि यूएसए और कनाडा का मैच हो रहा था, यहां पर 200 रन लगे और 200 रन चेज हो गए ना, जब पाकिस्तान की बॉलिंग आएगी तो यहां 200 तो नहीं बनाने देगी। तो ये आपस में देखिए, उनकी जो क्रिकेट का लेवल है, जो उनकी क्लास है, वो थोड़ी आपस में भी तो मैच करती है ना। अब पाकिस्तान के जब मैच होगा, जब पाकिस्तान के 3-4 फास्ट बॉलर उनको बॉलिंग करा रहे होंगे, तो इतना स्कोर इंडिया के लिए भी कहा कि इंडिया को भी यूएसए हरा सकता है। वहां पर स्विंग हो रहा है, बहुत अच्छा खासा बॉल स्विंग हो रहा है, फास्ट बॉलर को अच्छी खासी मदद मिल रही है। इंडिया जो आईपीएल खेल के आ रहा है, और आईपीएल में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक से वहां स्विंग का नामो निशान नहीं था, तो इंडिया को भी स्ट्रगल होगा। और पाकिस्तान और इंडिया का जहां मैच होना है ना, मानी वहां पर भी इतना अर्शदीप ने स्विंग किया है। अगर अर्शदीप जैसा बच्चा, कल का पैदा हुआ बच्चा स्विंग कर सकता है, तो फिर जो है शहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, जिनके अंदर ये समझ लो कि क्लास बचपन से मौजूद है, तो वो क्या करेंगे। देखिए, वैसे भी मोहम्मद कैफ ने भी बोला है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये आईपीएल से काफी मुख्तलिफ हैं। कल उन्होंने जब बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच ऑब्जर्व किया, जहां पर इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होना है, वहां पर हवाएं भी चल रही है, देखिए विंड जो है वो बड़ी तेज चलती है, वहां पर स्विंग इस वजह से हो रही है, स्पिनर को मदद मिल रही है, वहां पर बॉलिंग कंडीशन ज्यादा है, अनइवन बाउंस भी उन्होंने कल शिकायत की है। तो ये कंडीशन तो हारिस मूव के लिए फेवर है। देखिए, ये कंडीशन तो पाकिस्तानी जो है, अगर
स्पिनर कमजोर है तो उनके लिए भी बेहतर है कि देने अच्छा पिच से मतलब है कि आपको चार फास्ट बॉलर पाकिस्तान खिला ले अगर पिच वाकई अगर इस तरह की पिच हुई जो कि हमने एक ही पिच है वहां पर या दो तीन पिचेस होंगे तो दो तीन है तो लेकिन अगर ऐसी पिच हो गई तो वहां पर हो सकता है पिच को देखते हुए पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर खिला दे और एक स्पिनर काफी देगा अगर फास्ट बॉलर की मदद के लिए पिच बनती है तो फिर पाकिस्तान को चार फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए एक ही वहां पर चांस है कि हम इंडिया को आउट करें अगर आउट करेंगे तो हम जीतेंगे अगर हम किसी कंटेन करने जाएंगे तो कंटेन तो नहीं इंडिया की टीम होती इंडिया के खिलाफ बड़े मैच से पहले ना पाकिस्तान को एक विन चाहिए अब ये वेदर ना तंग ना करे देखिए मैच हो तो पाकिस्तान 100% विन करेगा और पाकिस्तान विन करे और पॉइंट्स के साथ जब इंडिया आगे जाएगा ना तो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा लास्ट टाइम पाकिस्तान पॉइंट्स के बगैर गया था पहला मैच ही था इंडिया के खिलाफ हम हार गए उसके बाद जिम्बाब्वे से भी आगे पॉइंट्स ही नहीं इकट्ठे हो रहे थे इस बार जब दो पॉइंट पहले बैग में आ जाएंगे ना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है रिलैक्सेशन हो जाती है तो ये पहला मैच डेलस में वेदर का बड़ा इफेक्ट भी देखने वाला होगा वेदर खराब ना करे मैच के पॉइंट मिले वहां पर वेदर ऐसा है कि वहां की जो स्क्रीन आपने देखा होगा कि 90 माइल्स पर आर के हिसाब से हवा चली है और उसकी स्क्रीन डैमेज कर दी है ग्राउंड की स्क्रीन डैमेज हो चुकी है वो चल नहीं रही वर्किंग कंडीशन से वो आउट हो गई है शायद उसको रिपेयर कर सके क्या ना कर सके तो हवाएं बहुत तेज चल रही है वहां पर एक होता है ना कि एटमॉस्फेयर जो क्रिकेट के लिए होता है वो अमेरिका में थोड़ा सा ना क्रिकेट के हवाले से डिफरेंट एटमॉस्फेयर है वहां पर साइक्लोन चलते हैं साइक्लोन आते हैं वहां पर तूफान ऐसे आते हैं कि फिर वो पूरे का पूरा शहर भाग लेते हैं बड़ा मतलब शहर होते हैं तो अगर उस दिन साइक्लोन की तो पेशन हुई है ना एक दो दिन पहले अगर पहले ही अगर पूरा ग्राउंड बह गया तो फिर क्या होगा फिर देखिए ये चीजें तो हैं अमेरिका का वर्ल्ड कप दे तो दिया है लेकिन अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है असल वर्ल्ड कप जो स्टार्ट होगा ना जब ये वर्ल्ड कप अमेरिका से निकलेगा सुपर एट में हालांकि सुपर एट के मैच बहुत कम है आप कह लेंगे 20 तारीख तक इसी तरह के मैच उसके बाद 18 तारीख को है जो मेन टूर्नामेंट है वो 10 तारीख से स्टार्ट यानी 20 तारीख से स्टार्ट 19 से लेके 29 तक स्टार्ट और 10 दिन का टोटल वर्ल्ड कप होना है उसमें बाद अब दुआ करें उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जरूर हो क्योंकि जो आज कनाडा और अमेरिका ने परफॉर्मेंस दिया ना थोड़ी सी खतरे की घंटी जरूर है कि पाकिस्तान पैनिक ना कर दे छोटी टीमों से हारने की गंदी आदत पाकिस्तान को है और अगर ऐसा कोई क्रम्बल कर लिया पाकिस्तान ने तो फिर मसला खराब हो सकता है लेकिन होप सो कि पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जो है वो इजीली अमेरिका को बीट करेगा और इंडिया के साथ हमारा जो नाम जब पल्ला पड़ेगा तो फिर इंडिया भी आयरलैंड को हरा के आया होगा हम भी अमेरिका को हरा के आएंगे और फिर देखते हैं कि आगे कौन जाता है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं अल्लाह हाफिज़